फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ जो नॉच है इसको हाइड कैसे करेंगे। इस वीडियो के अंदर यही से बात करने वाला हूँ। ये फीचर्स के बारे में बहुत लोगों का कमेंट आया था कि ये बताइए, ये जो नॉच है हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, इसको कैसे हाइड करेंगे। तो रेडमी के फ़ोन में स्पेशली मैं बताने वाला हूँ, और आप किसी भी फ़ोन में इसी तरीके से कर सकते हैं जो मैं आपको फ़ीचर्स बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको नोटिफिकेशन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे नॉच नोटिफिकेशन साइड आपको दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे अभी कंट्रोल सेंटर स्टेटस बार, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे नॉच हाइट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसको हाइड कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ से हाइड हो चुका है। और इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में नॉच को हाइड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट एंड टाइम, यहाँ पे नॉच गायब हो चुका है। तो इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। दोबारा वापस से लाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको नोटिफिकेशन स्टेटस बार पे क्लिक करना है, यहाँ जाना है, इस पर क्लिक करना है और नॉच पर जा कर के इसको वापस से ला सकते हैं। तो ये वापस से आ गया। तो गाइस, कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आप लोगों का रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।